अस्सलाम वालेकुम। टिल नाउ वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। सो दैट टॉपिक इज ओवर नाउ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी रिसोर्सेज। हम डिफरेंट एनर्जी यूज करते हैं हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हमारे घर में हम टीवी या हम एसी या हम फैन या हम गीजर यूज कर रहे हैं तो वो सब एक एनर्जी की फॉर्म है। वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है। तो ये हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है ये भी डिफरेंट वे से, डिफरेंट पावर प्लांट से जनरेट होकर हम तक पहुंच रही है। और जो डिफरेंट पैसेजेस से गुजर कर हमारे तक पहुंच रही है डिफरेंट रास्तों से। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ से आए हैं और हम पहले कौन से यूज करते थे और अब हम किस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हमें यूज करने चाहिए। हमें सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। हमारा फ्यूचर एनर्जी का किस तरह का होना चाहिए, तो हम एनर्जी रिसोर्सेज के टॉपिक में ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल। एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम एनर्जी वाटर के थ्रू भी हासिल करते हैं, बायोमास के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, सोलर, न्यूक्लियर, कोल एंड विंड। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये सारे हमें एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं। अब इन रिसोर्सेज में से कुछ को हम रिन्यूएबल कह सकते हैं और कुछ को हम नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं। हम बहुत दफा हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का वर्ड हम पढ़ चुके हैं, उससे हम वाकिफ हैं। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि रिन्यूएबल मतलब जो कि हमारे पास कुछ अरसे बाद दोबारा रिन्यू हो सके, दोबारा जनरेट हो सके, वो रिन्यूएबल कहलाता है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो हमारे पास एक ऐसा एनर्जी का रिसोर्स है जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर ओवर 500 और 600 ईयर्स उसके बाद जाकर रिन्यू होगा, या वो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं हो सकता। या तो इसके चांसेस होंगे कि वो बिल्कुल भी रिन्यू ना हो, और अगर वो रिन्यू हो भी सकेगा कि वो इतने ईयर्स के बाद 500, 600, 1000 ईयर्स के बाद वो जाकर रिन्यू होगा, कि हम उसको एक तरह से नॉन रिन्यूएबल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो जब तक दोबारा रिन्यू होगा वो जनरेशन ही नहीं रहेंगी जिनको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आने वाली जनरेशन, बाद में आने वाली जनरेशन के लिए तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम उसे नॉन रिन्यूएबल ही कंसीडर करेंगे। सो अबाउट 82% ऑफ द कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी ज्यादातर वर्ल्ड वाइड जो हम एनर्जी रिसोर्सेज से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें ज्यादातर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। हम ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो कि खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो हम आने वाली नस्लें, हमारी फ्यूचर जनरेशन किस तरह से एनर्जी जनरेट कर पाएंगी, किस तरह से ये रिसोर्सेज यूज करेंगी अगर वो हम अभी ही खत्म कर देंगे। तो 76% एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। फॉसिल फ्यूल्स में ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं, और जो कि बहुत बड़ा पार्ट है फॉसिल फ्यूल हमारी एनर्जी जनरेशन का। एंड 6% फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। ये भी न्यूक्लियर पावर भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कंसिडर होगा। द रिमेनिंग 18% ओनली कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड एंड सोलर एनर्जी। सो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग कैटेगरीज के नॉन रिन्यूएबल 82%। ये सारा पोर्शन जो है ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये सिर्फ आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी को, जो कि सिर्फ 18% है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ल्ड वाइड जो कमर्शियल एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें नेचुरल गैस एज अ रिसोर्स हमारे पास 21% यूटिलाइज हो रहा है, कोल 22%, ऑयल 33%। यानी फॉसिल फ्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और न्यूक्लियर पावर ओनली 6%, एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बायोमास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अबाउट 11%, हाइड्रो पावर यानी जो हमारी वाटर के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो 4.5%, जियोथर्मल, सोलर, विंड
2.5%। हम ये जो टर्म्स हैं इनको बारी बारी देखेंगे कि जियो थर्मल, सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर क्या है, ये अगर फर्दर आपको एक्सप्लेन होगा। सो आपने इसकी अभी आप फिलहाल इनके टर्म्स में ना जाए, लेकिन ये सिर्फ बता रहे हैं आपको, ये पिछली स्लाइड को ही पिक्चर की फॉर्म में डिपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कि वो यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो रिसोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और जो कि वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे। अगर हम एनर्जी हिस्ट्री की तरफ देखें तो जो सबसे पहले इंसान की जो हिस्ट्री, जो फर्स्ट स्टेप उसने अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए, लाइट और हीट के लिए उसने अपनी घरों को जिन जगहों पे वो रहते थे उधर गर्मी और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट और लाइट के लिए और अपनी खुराक तैयार करने के लिए जो उन्होंने एनर्जी का रिसोर्स यूज किया था वो फायर्स थी, जिसमें वो फायर वो बुशेस के थ्रू लगा रहे थे, वो प्लांट्स के थ्रू, वो वुड के थ्रू लगा रहे थे। सो वहां से हिस्ट्री शुरू होते होते आपके पास वो हिस्ट्री यहाँ तक आई, लेटर आपके पास फायरवुड यानी लकड़ी को जलाकर जो एनर्जी जनरेट हो रही थी, 91% एनर्जी जो है वो हीटिंग पर्पसेस के लिए और इंजन के लिए उस फायरवुड के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही थी वो यूज होने लगी। लेकिन 1850 के स्टार्ट में बहुत से, जब आपने इतना ज्यादा लकड़ी को यूज करना शुरू कर दिया कि वो 91% आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रही है, तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट, वो प्लांट्स, वो जो हमारे पास वुड है वो डिप्लीट कर जाएगी, वो खत्म कर जाएगी, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स, हमने अपना ये जो रिसोर्स था वुड, उसको इतना अनसस्टेनेबली यूज किया, इतना अनसस्टेनेबली उसका यूज किया कि वो हमारे पास खत्म होना शुरू हो गई faster than nature replaced it, यानी एक पूरा एक duration है जिसके through जो nature है आपके पास दोबारा plant को generate कर सकती है और उनको बड़े-बड़े पौधों में उन्हें convert, दरख्तों में उन्हें convert, trees में उन्हें convert कर सकती है, एक time period है। लेकिन अगर हम उस time period को fulfill ना होने दें, हम उन्हें बड़ा ही ना होने दें, हम already इतना ज्यादा उन्हें consume कर लें कि वो दोबारा जनरेट ही ना हो सके, नेचुरली वो दोबारा ग्रो ही ना कर सके, वो चीज जो है वो डिप्लीट होना और खत्म होना शुरू हो जाएगी। सो जब हमारे पास ये एनर्जी क्राइसिस आया जिसमें फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं और हमारे पास जो कि 91% हमारी नीड को पूरा कर रहे थे, तो इस एनर्जी क्राइसिस से इंसान किस तरह निकला कि उसने कोल को जलाना शुरू किया, कोयले को जलाना शुरू किया हीटिंग के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को और अपनी ट्रेन्स को चलाने के लिए उसने कोल को एज एन एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइज करना शुरू किया। इन 1859 लर्न्ड हाउ टू पंप ऑयल, कोल के बाद हमने 1859 में हमने ये भी सीख लिया कि हमें ऑयल को किस तरह यूज करना है, हमें उसे अंडरग्राउंड से निकालना है, उसे इन्वेंट किया और उसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट ऑयल की फॉर्म्स में, गैसोलीन में, हीटिंग ऑयल में, डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये ऑयल की, कि हम ऑयल को इन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जब आपके पास बाय 1900 ये सब हमारे पास हमने इन्वेंट कर लिया और हमें पता चल गया कि हम डिफरेंट वेज के थ्रू अपनी एनर्जी नीड्स इन रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, तो बाय 1900 वी गॉट 40% ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम ऑयल, 38% from coal and 18% from natural gases, और ये सारे resources ऐसे resources थे जो कि non-renewable हैं, जो कि वक्त के साथ खत्म होने वाले resources हैं। Today we continue to live in a fossil fuel era, जिस तरह हमने 1900s में हम एक वो follow कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो 1900s के बाद वो दौर खत्म नहीं हुआ, वो fossil fuel का era अभी भी continue है, with 82% of our energy coming from non-renewable resources, कि अभी भी 82% worldwide हमारी जो needs हैं वो हम इन्हीं fossil fuels और इन्हीं non-renewable resources से को use करके हम पूरी कर रहे हैं अपनी energy resources, अपनी energy requirement को। So अब जो हम energy crisis face कर रहे हैं, वो हम ये energy crisis face कर रहे हैं क्योंकि हमारा air, हमारी water pollute हो चुकी है, हमारी activities से, हमारी non-renewable रिसोर्सेज को यूज करने से इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुई है, एनवायरमेंटल इतना डिग्रेड हो चुका है, खराब हो चुका है हमारा इतने एक्सेसिव यूज की वजह से,
कि अब हमें और हमने इतना वेस्ट किया है अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली कि अब हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये एक अर्जेंट नीड है, ये एक एनर्जी अर्जेंट क्वेश्चन है कि अब हमें इम्प्रूव करनी है। एक तो हमें एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना है कि अगर एक रिसोर्स अवेलेबल है और एक अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना, हमें उसे वेस्ट नहीं करना, बल्कि हमें उसे एफिशिएंटली यूज करना है। और उसे एफिशिएंटली यूज करने के अलावा हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना है। हमें डिफरेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि वो इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि वक्त के साथ कायम रहेंगे, वो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं वक्त के साथ। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें बनने के लिए बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली आपकी जमीन के नीचे दबे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि मिलियन ईयर्स अगो आपकी जमीन के नीचे दबे रह गए और वो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्हें तो मिलियन ईयर्स लगते हैं जनरेट होने के लिए और वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो इसलिए हम इस वक्त अर्जेंट नीड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ यूज करने की, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करने की और एफिशिएंटली अपनी एनर्जी को यूज करने की, ताकि हम अपनी जो सिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वर्ल्ड है और जो वर्ल्ड में हमारी डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उसे बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब हम डिफरेंट रिसोर्सेज हमने गो थ्रू किया है कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और हम एनर्जी हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि तो इम्पोर्टेंट जिसमें से हम फॉसिल फ्यूल्स में उनको स्टडी कर रहे हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, ये क्यों वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे इन्वायरमेंट को क्यों वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों हमें सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें सबसे पहले हम ऑयल को स्टडी कर रहे हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज अ थिक एंड गोई लिक्विड, गोई यानी सॉफ्ट एंड थिक लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड ऑफ डिफरेंट कंबस्टेबल हाइड्रोकार्बन, जिसमें जलने वाले हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट मौजूद होते हैं, और उसमें बहुत थोड़ी स्मॉल अमाउंट में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कन्वेंशनल या लाइट ऑयल बोल सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रही आपको कि ये प्रोसीजर क्या है, किस तरह से निकलता है, ऑयल जनरेट कैसे होगा, वहां से निकालने एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। सिर्फ आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये एक रिसोर्स है जिसमें एक ये लिक्विड की फॉर्म में होता है और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो कि ऑब्वियसली जब ऑयल बर्न होगा तो वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में जाएंगी और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी और हमारी एयर पोल्यूशन भी कॉज करेंगी। तो फर्दर हम मेजर मेजर इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि हमें किस तरह से हम इनको मूव करने के लिए कह रहे हैं। इनके एडवांटेजेस तो हैं, इन एडवांटेजेस की वजह से ही हम 1800 से 1900 और अभी तक इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके जितने एडवांटेजेस हैं इनके उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की टर्म्स में तो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ही हमें इफेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ये हमें 42 टू 93 इयर्स तक इसकी एम्पल सप्लाई है, यानी इनफ सप्लाई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट रही है 42 टू 93 इयर्स तक, और हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें ये मिलती रही है, मुहैया रही है। लो कॉस्ट है, ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती, और जो एनर्जी आप इससे प्रोड्यूस करेंगे वो हाई एनर्जी होगी, हाई नेट एनर्जी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद इन कंट्री भी और बिटवीन कंट्रीज भी, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी आप भेज सकते हैं और एक मुल्क के डिफरेंट सिटीज में भी आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लो लैंड यूज है, इतना ज्यादा ये लैंड यूजेज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। टेक्नोलॉजी भी इसकी वेल डेवलप कर चुकी है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑयल को जो डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है वो भी बहुत एफिशिएंट है, उसे डिफरेंट शिप्स के थ्रू या डिफरेंट ऑयल टैंक्स के थ्रू ना ट्रेवल करते हैं हम, तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमें नेक्स्ट 50 इयर्स में इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करना होगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे, जितने हमने इन्हें पिछले 93 इयर्स में यूज किया है
अब ये अगले 50 सालों में इसकी सप्लाई इतनी इनफ नहीं रहेगी, इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होगी क्योंकि हमें अवेलेबल हो, तो हमें इसका सब्स्टिट्यूट, इसका नेमुल बदल तलाश करना होगा। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडीज जो है वो बहुत इसमें प्रोवाइड करती है। इन सब्सिडीज का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट हमें यानी गवर्नमेंट कुछ चीजों में, अगर एक चीज की प्राइस 10 रुपए है तो वो उसमें से अगर वो चाहती है कि गवर्नमेंट आवाम को 8 रुपीज में वो चीज जो है वो सेल करे, तो वो 2 रुपए क्या है, गवर्नमेंट अपने पास से उन कंपनीज को जो कि ऑयल बना रही होंगी उनको अपने पास से उनको देंगी ताकि आवाम को वो चीज सस्ते में पड़े, 8 रुपीज में पड़े। तो ये होती है सब्सिडीज। तो ऑयल की टर्म्स में गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कि जो बनाने वाले हैं, जो इसको जनरेट करने वाले हैं, वो अपनी फायदा देखते हुए वो इसको यूज करते हैं, लेकिन वो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसको टेक्नोलॉजीज को, इसकी जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के वेज होने चाहिए वो उसको अडॉप्ट नहीं करते। और जब मार्केट प्राइस में जब इसकी प्राइस लगाई जाती है कि ये ऑयल इतने में इसकी सेल होगा, तो कभी भी जो ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, जितना ये एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा, ऑब्वियसली अगर शिप्स के थ्रू ये सीज के थ्रू एंड ओशंस के थ्रू ये ट्रांसफर होता है विद इन कंट्री या बिटवीन कंट्रीज ये ट्रांसफर होता है, तो ये ऑयल वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है ये ऑयल, अगर वहां पर इसकी ऑयल स्पिल्स कॉज करेगा तो ऑब्वियसली इसकी ये जो प्राइस होती है, ये एनवायरनमेंट को कॉस्ट कर, जो नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी प्राइस बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दी जाती है। इनका कोई यानी ये जितना मर्जी नुकसान पहुंचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। आर्टिफिशियली लो प्राइस, क्योंकि इसकी लो प्राइस जो बनाई गई है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मिकदार में वेस्ट भी होगा, वेस्ट होगा तो हम जो, और क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम ये बॉदर ही नहीं करते कि हमें कोई और अल्टरनेटिव तलाश करने की जरूरत है या हमें इसे एफिशिएंटली यूज करना है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना। और ये एयर पोल्यूशन कॉज करेगा जब भी ये प्रोड्यूस होगा या इसको बर्न किया जाएगा, जब इसको बर्न किया जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, और ये वाटर पोल्यूशन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, या जब सीज या ओशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे हम इसे बिटवीन कंट्रीज, तो ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। तो इसके ये बहुत ज्यादा मेजर एडवांटेजेस है, खास तौर पे ये जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, इसकी वजह से इसको हमें डिस्करेज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ये कि आने वाले 50 सालों में इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी सप्लाई ही प्रेजेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट रिसोर्स इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ विच 50-90% इज मीथेन। यानी इसमें जो मेजर पार्ट है वो मीथेन प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में, और हमेशा जो नेचुरल गैस है वो आपके पास मोस्टली जहां जहां आपके पास ऑयल के रिजर्व्स होंगे वहां पर आपके पास नेचुरल गैस भी मौजूद होगी। सो नेक्स्ट अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसके भी मोर और लेस सेम ही होंगे क्योंकि इसकी भी एम्पल सप्लाई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये आपको मिलेगी, एनर्जी यील्ड भी उतनी ही इसकी अच्छी होगी, लो कॉस्ट भी होगी, लेकिन इसकी जो एयर पोल्यूशन है ये बाकी जो ऑयल और कोल है उसके मुकाबले में इसकी जो पोल्यूशन होती है वो जरा कम क्रिएट करेगी। CO2 एमिशंस भी इसकी मुकाबले में अदर फॉसिल फ्यूल ऑयल और कोल के कम होगी। इसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लो लैंड यूज है, इतनी ज्यादा बड़ी यानी आपको लैंड नहीं रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है यानी खत्म हो जाने वाला है, तो आपको आने वाले सालों में जब आप ये प्रेजेंट दौर में आप इसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आने वाले आपको फ्यूचर में आपको इस ये अवेलेबल नहीं होगा इनफ क्वांटिटी में। CO2 रिलीज जरूर करता है, बेशक वो लेस क्वांटिटी में है, लेकिन वो इतनी लेस क्वांटिटी में नहीं करता। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ऑयल और कोल से तो वो क्वांटिटी लेस है, लेकिन वो इतनी लेस क्वांटिटी CO2 इमिशंस की नहीं है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो नुकसान जरूर पहुंचाएगी। सो इसलिए इसको डिस्करेज करते हैं। इसी तरह सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज इस केस में भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करेंगे और अपने बिजनेसमैन इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको एक सब्सिडी मिलेगी और उनको प्रॉफिट होगा क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगी कुछ प्राइस ताकि आवाम को उस केस में रायत मिल सके। एनवायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस। इसी तरह ये जो एनवायरमेंट को डैमेज करेगा उसकी प्राइस बिल्कुल कंसीडर नहीं की जाती। इसी तरह जो पाइपलाइंस के थ्रू जब इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो मीथेन कैन लीक फ्रॉम पाइपलाइंस, अक्सर आपने सुना होगा
पाइपलाइंस में धमाके होते हैं तो वो क्योंकि मीथेन गैस लीक करती है, और इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑयल को तो आप शिप्स के थ्रू सीज और ओशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन गैस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये विद इन कंट्री तो हो सकती है, लेकिन बिटवीन कंट्रीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कोल। कोल इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल, जैसे ऑयल आपके पास लिक्विड है, नेचुरल गैस गैस की फॉर्म में है, कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है फॉसिल फ्यूल की। दैट वॉज फॉर्म्ड इन सेवरल स्टेजेस आउट ऑफ द रिमेन्स ऑफ लैंड प्लांट्स दैट वर बरेड 300 टू 400 मिलियन ईयर्स अगो एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर ओवर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि इस तरह आपके पास ये वजूद में आता है कि ये जो आपके पास डेड प्लांट्स होते हैं वो जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट, इंटेंस हीट एंड प्रेशर बहुत ज्यादा सालों तक, 300 टू 400 ईयर्स तक वो जब गुजरते हैं उनसे, तो वो कोल में तब्दील हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस भी सेम ही हैं। एम्पल सप्लाई है, लेकिन बहुत सालों से 225 टू 900, क्योंकि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस से भी पहले कोल यूज हो रहा था, ये बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक ये प्रोवाइडेड हमें रहा है। हाई नेट एनर्जी यील्ड है बाकी सबकी तरह, लो कॉस्ट भी है, वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इसके केस में अगर जो बिजनेसमैन है जो कि पावर प्लांट्स लगा रहे हैं कोल बेस पे, उन्हें चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लगाएं ताकि वो एयर को पोल्यूट ना करें, लेकिन ये किस तरह का पार्ट है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि अपने प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली उनका, जब वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज पर खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि उनका बहुत ज्यादा पैसा जो है इन टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल टेक्नोलॉजीज पर लगेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के उसमें बात है कि जवाबदेही है कि उन्हें चाहिए कि बिजनेसमैन को, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मालिकान को इस बात के लिए तैयार करें कि इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का वो यूज करें। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, स्वेयर लैंड डिस्टरबेंस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि पोल्यूशन कॉज करेंगे तो ऑब्वियसली जब इनको जलाया जाएगा तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी थ्रेट होंगे। एनवायरमेंटल कॉस्ट इसी तरह इसकी भी इंक्लूड नहीं है। लार्ज गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, CO2 इमिशन इसकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड नेचुरल गैस। रेडियो एक्टिव पार्टिकल, क्योंकि कोल कोयला जब जलेगा तो मरकरी या कुछ इस तरह के हैज़र्डस सब्सटेंस जो है वो भी इमिट होंगे जो कि एयर पोल्यूशन भी कॉज करेंगे और अल्टीमेटली ह्यूमन एनिमल्स को वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। सो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से, जो कि बेसिकली ये हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, इनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डीग्रेड किया जा रहा है कि अब इनका यूज़ जो है इनको यूज़ नहीं करना चाहिए या इनका यूज़ बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं तो ये आने वाले कुछ सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे। So according to David Goldstab, civilization as we know it will not survive unless we can find a way to live without fossil fuel. कि अगर हम fossil fuel पे इतना ज़्यादा depend करते रहेंगे अपने आने वाले सालों में भी, तो हमारे लिए survive करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इतने एक तो इनकी quantity कम हो जाएगी, इनकी supply इतनी रहेगी, तो हमें alternative sources की तरफ जाना है जो कि हैं renewable resources और efficiently use करना है, जो कि हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हम किस तरह उन और वो कौन से सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनकी तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।